दोस्तों, ये वाला हैंडल बार लगेगा हमारे पल्सर 220 पर। ये वाला हैंडल बार आरडी कंपनी का है एंड बुलेट वगैरह पर यूज किया जाता है। तो ये हैंडल बार देखने में भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर इसका डबल स्पोर्टिंग सिस्टम है। यहाँ पर तो है ही, आप देख रहे होंगे, एंड यहाँ पर भी है। एंड यहाँ पर हमारा सिस्टम सारा मैं सेट करूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। तो ये है पल्सर 220 का स्टॉक वाला जो हैंडल बार होता है, इसको क्लिप ऑन वाला कहते हैं हैंडल बार। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स टूरिंग स्टाइल में इसका पोस्चर होता है बैठने का, तो इसमें थोड़ा सा झुक कर बैठना पड़ता है। एंड अगर आप सिटी में हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आप 25-30 किलोमीटर हद ट्रैवल कर लेंगे। लेकिन मेरा रोज का कंप्यूट 100 किलोमीटर प्लस है, तो मुश्किल ये आती है कि एक ही पोस्चर पर बैठने से जो बैक है उसको पेन होती है। तो एक आधा दिन तो चल जाता है, जब कंटिन्यू जाना होता है तो मुश्किल होती है। आपने वैसे भी देखा होगा कि कई एडवेंचर टूर जो बंदे होते हैं जो इंडिया ट्रैवल करते हैं, उन्होंने भी हैंडल बार को चेंज करवाया हुआ है। आप इसमें KTM का भी लगा सकते हो, आप इसमें इनफील्ड का भी लगा सकते हो। एक ऑप्शन थी कि इसको हम वेल्डिंग करा कर ऊपर ले जाएं, पर प्रॉब्लम ये आएगी कि ये वाला ऐसे इसके साथ लगेगा। तो पहले तो मैंने सोचा था कि आपको मैं दिखाऊंगा जब मैं इंस्टॉल कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है जब हम काम करते हो तब बताएं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। तो इसमें अभी ने कुछ नहीं किया अभी, तो ये अभी स्विचेज हैं, इनके दो दो नट होते हैं, ये भी उतारे हैं हमने, तो इधर से भी उतार लिया है। इसके साथ ये हमारा एक्सीलेटर वाला होता है, ये भी उतार लिया है। सिर्फ दो नट यहाँ से खोले हैं एंड ये बाहर आ जाता है। एंड दो नट होते हैं ऊपर, ये डिस्क ब्रेक का जो ऑयल वाला होता है इसके साथ होते हैं, इनको भी हमने उतार लिया है। तो अब इसकी सेटिंग कैसे होगी मैं आपको एक बार आप फाइड दे देता हूँ। ये हम दो एलन की के नट ये वाले हैं एंड दो ये हैं, ये उतार लेंगे एंड उसके बाद ये वाला काम फ्री हो जाएगा। ये प्लेट आ जाएगी एंड इस प्लेट के ऊपर करने पड़ेंगे दो होल्स, एंड इसके बाद हम सिंपल मोटरसाइकिल के जो क्लिप ऑन होते हैं वो लगाएंगे साथ में। तो मैं धीरे धीरे आपको बताता जाता हूँ एंड आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, स्किप करके वीडियो देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ लग जाएगा। तो अभी मैं ये वाले दो नट एंड ये वाले दो नट निकाल दूंगा एंड इससे होगा कि ये वाला साथ में ये वाला भी खोल दूंगा, इससे ये हमारा ये वाला सिस्टम है वो उतर जाएगा। दोस्तों, हैंडल सारा खोल लिया गया है, ये क्लिप ऑन्स हैं ये उतार लिए गए हैं, इधर वाला भी नीचे रिमूव कर दिया गया है। ये वाले नट हैं साइड वाले एलन की वाले, ये मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब ये नट खोल कर इस प्लेट को हम निकाल लेंगे एंड इसमें ड्रिल करना पड़ेगा, वो हम प्रॉपर मैयर कर जो नया हम क्लैंप लेके आए हैं जो इसमें बैठेंगे उसके साथ चलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हमने प्लेट उतार ली है, ये वही प्लेट है जिस पर हैंडल टिका हुआ था एंड इसमें आप लॉक देख सकते हो, चाबी लगती है एंड इसमें यहाँ एंड उधर की साइड पे क्लैंप्स लगेंगे, वो हम मैयर कर शेक करेंगे। एंड इसके लिए आपको ये लॉक भी उतारना पड़ेगा, लॉक उतारने के लिए आपको दो नीचे नट हैं ये रिमूव करने पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा काम है हम, लेकिन बिट बाय बिट सारा काम कर लेंगे, आप भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। तो अगर नहीं है तो इसको एज ए रेफरेंस आप वीडियो को देख सकते हो एंड बाजार से करवा सकते हो। तो बस होने वाला है, आप वीडियो में बने रहिएगा एंड हम इसको शेक कर मैं आपको मिलता हूँ। दोस्तों, ये है वो क्लिप ऑन जो प्लेट पे लगेंगे, ये आप किसी भी बाइक के ले सकते हो, मैंने थोड़ी सी मजबूत बाइक के लिए हैं जैसे डिस्कवर 135 या आप यूनिकॉर्न के भी ले सकते हो जिसमें हैंडल वाला बार आता है, लेकिन लेना थोड़ा से बड़े वाले सो दैट कि आपके जो मो हैंडल का जो वेट होता है वो उसको संभाल ले। आप स्प्लेंडर के मत ले लीजिएगा, वो थोड़े से छोटे होते हैं एंड ये मैंने लिए हैं सेकंड हैंड एंड इनको पेंट वगैरह किया है। इसकी आप पेंट की फिनिश दे सकते हो कितनी ज़बरदस्त है। ये वैसे तो नए आप लेने जाएंगे तो 400-500 के पड़ेंगे विद क्लैम्प्स बोल्ट्स एंड ये वॉशर वगैरह, तो मैंने ये सेकंड हैंड मार्केट से लिए हैं, मुझे ये सिर्फ 100 रुपीज़ के आसपास मिल गए हैं एंड बाकी साफ करके मैंने इसको पेट्रोल से तो उसके ऊपर पेंट वगैरह कर दिया है। दो कोट पेंट के मारे हैं ब्लैक कलर के, क्योंकि बाइक मेरी है ब्लैक कलर की, वो इसके साथ ये जज जाएंगे एंड प्लेट भी ब्लैक है। तो इसके ऊपर ये ऐसे शेक मारकर ड्रिल कर तो इसको हम अंदर डाल देंगे एंड नट वगैरह टाइट कर देंगे वॉशर लगाकर जिससे ये मजबूत हो जाए। तो जो जो इसको ड्रिल करने का काम है, शेक करने का काम है, ये मैं बाजार से करवाऊंगा क्योंकि ये प्लेट थोड़ी सी मोटी है एंड खरात की दुकान होती है जहां पर ये काम होता है, तो
प्रॉपरली मैं मेजर कर लूंगा अभी कहाँ पर आएगा। ये अलाइनमेंट आपने जरूर देखनी है, अदरवाइज आपका हैंडल टेढ़ा लगेगा। तो बिल्कुल अगर यहाँ पे किया है आपने शेक, तो बिल्कुल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पर करना है। इसको आप मेजर कर सकते हो पेंसिल पेन के साथ, मार्क कर सकते हो मार्कर के साथ, मार्क कर सकते हो, एंड जो स्केल होता है उसके साथ आपने मिन के करना है। बिल्कुल थोड़ा सा भी गैप ना रह जाए, एंड जो आप बंदा लोगे जो आपको ड्रिल करेगा, आप घर पे भी कर सकते हो ड्रिल अगर आपके पास बड़ी मशीन है तो, लेकिन मैं बाजार से करवाने जा रहा हूँ तो वो भी 20-30 रुपए लेंगे। तो ये हम काम करा कर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर दो शेक करवा लिए गए हैं, ये हम बाजार से करवा के आए हैं। यहाँ पर भी दो शेक करवाए हैं प्रॉपर मिनती कर, एंड इसके बाद हैंडल पर भी आपको शेक चाहिए होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि स्विच बोर्ड वगैरह जो स्विच होता है ना हमारा, उसमें एक पिन होती है जो इससे आगे लगती है एंड अपनी जगह से हिलती नहीं है, इधर की साइड एंड इधर की साइड दोनों साइड पर करवा लिए गए हैं। खर्चा मैं आपको सारा एंड में बताऊंगा कितना खर्चा आया है, एंड ये अब हैंडल जो है उस प्लेट में लग जाएगा, इंस्टॉल कर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फिटिंग वगैरह सारी हो चुकी है एंड ये एंड रिजल्ट है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। डबल होने के कारण ये लुक में भी काफी अच्छा लग रहा है। तो चेंज तो हो गया है, लेकिन इसको करने में मेरा काफी टाइम गया है क्योंकि काफी कुछ था जो करने वाला था। तो मैंने ये वाली जो क्लच की वायर है उसको चेंज किया, ये जो वायर है वो अवेंजर की है। तो ये मुझे लगा था कि एक्सीलेटर की केबल ठीक रहेगी, लेकिन ये भी चेंज हुई है। ये हम लेके आए हैं पल्सर 135 की। तो ये तकरीबन मैं आपको सारा रेट बताऊंगा कितना कितना क्या लगा, एंड ये वाली पाइप भी मैं कल शाम को लेके आया हूँ, ये भी अवेंजर की है। तो अवेंजर का जो हैंडल है वो ऊंचा है, तो मैंने बैठ कर देखा है, मेरी सिटिंग पोजिशन काफ़ी अच्छी हो गई एंड अभी हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो पिछले वाला भी जो हैंडल आता है कंपनी की तरफ से वो भी अच्छा होता है, लेकिन जब आप ज़्यादा किलोमीटर चलाते हो तो आपकी जो बैक है उस पर थोड़ा सा जोर आता है। तो ओवरऑल देखने में भी अच्छा लग रहा है, कोई गंदा नहीं लग रहा, एंड हमारा जो हायरबुजा स्टाइल का जो वाइजर है वो भी बड़ा वाला है, एंड ये हैंडल भी अब अच्छे पोजिशन पर आ गए हैं। तो प्लेट वगैरह का मैंने आपको सारा दिखाया है कि कैसे कैसे हमने शेक करवाई है एंड सेटिंग करवाई है। जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको बता दूँ कितने पैसे लगे हैं, तो पेपर पे लिखकर बता दूंगा आपको सो दैट आपको आइडिया हो जाए। ये वाला जो हैंडल बार है वो 350 का है, ये वाली जो हमने वायर ली है 120 रुपये की है, MRP ज़्यादा थी हमें ली है, ये वाली 350 की है, एंड 80 रुपीज़ की ये एक्सीलेटर की केबल आई है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा जो वो वेट होते हैं जो हैंडल बार के वो लगाने वाले पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नट शॉर्ट और है, वो भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। एंड ये सारा नीचे फिटिंग हमने खुद ही की है, बाजार से करवाते तो वो भी 200-250 ले लेते एक्स्ट्रा, तो हमें थोड़ी सी जानकारी थी तो हमने कर ली है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी मैकेनिक को ये एज अ रेफरेंस दिखा सकते हो, सो दैट कि आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाए। तो मैंने तो आराम आराम से काम किया है धीरे धीरे, तो अगर आप किसी मैकेनिक से करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। तो अभी इसकी जो पोजीशन है वो अच्छी हो गई है बैठने की। तो इतनी सी वीडियो आपके लिए थी सो दैट यू कैन गेट अ रेफरेंस कि आप कैसे करवाएंगे इसको, ठीक। तो आप कोई और हैंडल बार चूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी स्टर्डी है एंड बैठने पे भी अच्छा पोजीशन मिल रही है हमको। तो वीडियो सो दोस्तों करते हैं यहाँ पर एंड, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है किसी भी पॉइंट पे, तो आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब अगर नए हैं तो, अगर हमारे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।